हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में बात की थी कि प्रेगनेंसी में अगर आपको एसिडिटी बन रही है, बहुत ज़्यादा आपको एसिडिटी रहती है, तो आपको क्या क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों, उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या आपको प्रेगनेंसी में इनो लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, कितनी क्वान्टिटी में लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था मैं इनो पर एक सेपरेट वीडियो करूंगी। तो दोस्तों, इनो के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो देखिए। साथ में दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। दोस्तों, अक्सर महिलाएं प्रेगनेंसी में इनो पीती हैं क्योंकि उनके सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है या उनके पेट में जलन होती है, और इसका कारण होता है दोस्तों एसिडिटी। तो प्रेगनेंसी में दोस्तों एसिडिटी होना आम बात है, लेकिन हाँ, अगर आपके प्रेगनेंसी में फाइबर युक्त खाना खाएंगी, और दोस्तों आप जो भी खाना खाती हैं उसको बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं, यानी कि आपको एक बार में दो चपाती खाने की आदत है, तो आप कोशिश करें कि आप प्रेगनेंसी में दो चपाती दिन में यानी कि तीन हिस्सों में खाएं, थोड़े थोड़े, जैसे कि आप तीन हिस्सों में चपाती को डिवाइड कर सकती हैं, यानी कि आपके जो मील है उसका शेयर डिवाइड करके, और फिर उसे आप तीन हिस्से में खाएँ। इसका दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि आपको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है उससे आप बचेंगी, क्योंकि दोस्तों प्रेगनेंसी में एसिडिटी होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, प्रेगनेंसी में आप ज़्यादा तला भुना नहीं खाएं, हैवी चीज़ें नहीं खाएं, जैसे फास्ट फूड हुआ या फिर बहुत ज़्यादा तला भुना आप खाती हैं, तो उससे भी दोस्तों एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपके फिर भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो भी दोस्तों आपको इनो प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनो में कुछ एक ऐसे केमिकल होते हैं, इनो दोस्तों पूरा केमिकल से मिलके ही बना होता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी एक सेहतमंद फूड नहीं माना जाता है। ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में इनो नहीं पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको इनो लेना है, तो आप महीने में एक आध बार ले सकती हैं, नहीं तो दोस्तों आप एसिडिटी के लिए और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ले सकती हैं, जिनमें सबसे पहले आता है नींबू पानी। आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो दोस्तों आप प्रेगनेंसी में नींबू पानी ले सकती हैं, या आप प्रेगनेंसी में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगी तो इससे भी आपको एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी। नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, आपको फाइबर युक्त फूड लेना है। अगर आप ज़्यादा फाइबर लेंगी तो आपको एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी, आपके जो फूड हैं वो जल्दी डाइजेस्ट होंगे, और इससे भी आपको दोस्तों इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको फिर भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके लिए काढ़ा बना सकती हैं, यानी कि एक गिलास आप पानी ले सकती हैं, उसमें बहुत ज़रा सी आप अजवाइन डाल सकती हैं, थोड़ा सा दोस्तों इसमें काला नमक डाल सकती हैं, और थोड़ा सा आप जीरा पाउडर डाल सकती हैं। इसको भी दोस्तों आप मिला के ले सकती हैं एक गिलास। हाँ, इसको आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इससे भी दोस्तों एसिडिटी में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, आई होप आपको इसमें हेल्प मिली होगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी में एसिडिटी हो रही है तो आपको क्या करना है, क्या लेना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।